वहाँ देखो तो एक छोटा सा बालों वाला जीव उसे चला रहा है। नहीं, उस जीव का नाम है लीमो। मैंने ऐसा जीव एक सर्कस में देखा था, कहते हैं काफी चालाक होता है। मुझे यकीन है उसका स्वाद मजेदार होगा। जब देखो तुम्हें सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। अब आगे बढ़ो दोस्तों, बस थोड़ा और करीब। अब शांत रहना प्यारे जीवो, घबराओ मत, हम तुम्हें पकड़ने वाले हैं। तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी? पर मैंने तो उससे सच कहा। उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी। तो उन्हें कैसे पता चलता हमें भूख लगी है? चलो अब पीछा करो। कौन हो सकती है? तुम दोनों आखिर कहाँ चले गए थे? जानते हो मैंने तुम दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? वैसे मैं भी इतनी देर से तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। मैं एक लड़के का पीछा कर रहा था। कौन सी लड़की? पता नहीं, पहले हंसी सुनी फिर शानदार कपड़ों में एक लड़की को देखा। लगता है यहाँ कोई जश्न हो रहा था और हमें निमंत्रण देना भूल गए। मुझे लगा मैंने माँ को देखा। देखो हम सब सिर्फ डरे हुए और भूखे हैं, इसलिए हमारा दिमाग खेल खेल रहा है, इसलिए हम सब ने किसी न किसी को देखा। क्या तुमने भी कुछ देखा? मुझे लगा मैंने यूए को देखा, पर इससे कुछ साबित नहीं होता। देखो मैं उसके बारे में हर वक्त सोचता रहता हूँ, और तुमने माँ को देखा जिन्हें तुम हर वक्त याद करती हो। पर मेरा क्या, मैंने जिस लड़की को देखा मैं उसे नहीं जानता, और वो तीनों हमें यहाँ ले आई। वैसे ये जगह है कहाँ? दलदल के बीचों बीच? हाँ बिल्कुल बीच में, मानो ये इस दलदल का दिल है और इसी ने हमें यहाँ बुलाया है। मुझे मालूम था। ये सिर्फ एक पेड़ है, ये किसी को नहीं बुला सकता। आखिरी बार कहता हूँ हमारे पीछे कुछ नहीं है और यहाँ कोई जादुई चीज नहीं हो रही है। सलीमों के पास तो पहनने के लिए पोशाक भी है। बेलों को हिला रहा है।
रुको, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। हम ऊपर से उड़ रहे थे और मैंने किसी की आवाज सुनी जो कह रही थी नीचे उतरो। ये अवतार है और ऐसी चीजें इसके साथ अक्सर होती हैं। क्या अवतार? आओ मेरे साथ। तो बताओ तुम कौन हो? मैं दलदल को उन लोगों से बचाता हूँ जो इसे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जैसे कि ऐसे लोग जिनके पास चाकू होता है। देखा, मैं सही था। कोई शैतान नहीं है यहाँ, सिर्फ एक इंसान है जो अपना घर बचाना चाहता है। यहाँ कोई जादू नहीं है। वैसे दलदल एक जादुई जगह बिल्कुल है, ठीक है, एक पवित्र जगह। मुझे इसी बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था। ये मुझे बुला रहा था जैसे इसने तुम्हें बुलाया। हाँ अब समझा, काफी बकबकिया है। देखो, असल में ये पूरा दलदल एक पेड़ है जो मीलों तक फैला हुआ है। शाखाएं फैलती हैं, फिर धंस कर जड़े बन जाती हैं, फिर और फैलती हैं, सिर्फ एक ही जीव से, बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह। ये तो समझ आ गया कि दलदल एक बड़ा पेड़ है, पर ये दुनिया कैसे? बिल्कुल है, तुम्हें लगता है तुम मुझसे हटकर हो, या तुम्हारे दोस्त, या फिर ये पेड़? अगर तुम गौर से सुनो तो तुम्हें हर जिंदा चीज सांस लेती हुई सुनाई देगी। तुम उन्हें बढ़ते हुए महसूस कर सकोगे। हम सब एक साथ जी रहे हैं, भले ही कुछ लोग साथ न रहें तो भी हम सब की जड़ें एक है और हम सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। पर हमने जो देखा उसका क्या मतलब था? दलदल में हम उन लोगों को देखते हैं जो खो जाते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, लोग जो हम सोचते हैं चले गए। पर दलदल बताता है ऐसा नहीं है, वो अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं। वक्त एक छलावा है, बिल्कुल मौत की तरह। पर मैंने जो देखा उसका क्या? मैं तो उससे कभी नहीं मिला था। तुम अवतार हो, तुम बताओ मुझे। वक्त बस एक छलावा है, तो इसका मतलब मैं उससे मिलने वाला हूँ? माफ करना मैं दखल दे रहा हूँ, पर हमें अभी भी आपा और मोमो को ढूंढना है। मैं जानता हूँ वो हमें कहाँ मिलेंगे। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब चलो, हमें जल्दी करनी है। पकड़ लिया आज बड़ा शिकारी, आएगा अब तो बहुत मजा रे। दिन ता ना 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 ना, दिन ता ना ना, दिन ता ना 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 ना, दिन ता ना ना, दिन ता ना। अरे तुम लोग तो वाटर बेंडर्स हो। तुम भी? इसका मतलब हम रिश्तेदार हैं। क्या तुम इन तीनों को जानते हो? थोड़ा बहुत, बस अभी अभी तो इनसे मुलाकात हुई है। क्या कहा? तो खाने का स्वाद कैसा है? हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम लोग आपा को खाने के लिए इतने बेताब क्यों थे? तुम्हारे पास तो यहाँ ऐसी कई चीजें पड़ी हुई हैं। तुम्हारा मतलब हमारे स्लिम से है? ये तो हमारे परिवार का सदस्य है। अच्छा बच्चा। ये कीड़े नहीं खाता है, इंसान कीड़े खाते हैं। तुम लोग कहाँ से आए हो? दक्षिणी ध्रुव से। मुझे लगता था सिर्फ यही वाटर बेंडर्स होते हैं, मतलब वहाँ भी काफी दलदल होगा, है ना? नहीं, वहाँ हर जगह बर्फ ही बर्फ है। तभी तुम यहाँ आए हो। वैसे अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पता चल गया होगा कि यहाँ कुछ अजीब नहीं है। बस यहाँ छोटे कपड़े पहने हुए लोग रहते हैं। हमने जो देखा उसका क्या? मैंने कहा ना, हम लोग भूखे थे। मैं एक बड़ा सा कीड़ा खा रहा हूँ, देखो। पर फिर उस पेड़ ने कैसे बताया कि आपा और मोमो कहाँ है? ये अवतार की बात है, हमें इससे क्या मतलब? मुझे बस ये समझ में नहीं आता कि तुमने वो तूफान कैसे बनाया जिसने हमें नीचे गिराया। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैंने बस बेंडिंग का इस्तेमाल किया था। वैसे सिवाय इस मौसम के मुझे तो इस दलदल में और कुछ भी जादुई नहीं लगता।